संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें। और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। धनबाद में भटिंडा वाटरफॉल पिकनिक मनाने के लिए बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। झारखंड के अलावे बिहार, बंगाल और उड़ीसा से लोग पिकनिक मनाने के लिए भटिंडा फॉल आते हैं। पत्थरों और जंगल के बीच झरने का नज़ारा लोगों को काफ़ी लुभा रहा है। झारखंड में स्वर्ग जैसा दृश्य धनबाद के भटिंडा वाटरफॉल पर दिखाई देता है। वाटरफॉल की सुंदरता को देखते हुए हजारों लोग यहाँ पिकनिक मनाने प्रति वर्ष आते हैं। धनबाद में भटिंडा वाटरफॉल पर पिकनिक के लिए बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक जगह दिखाई देता है। झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा सहित कई अन्य राज्यों से लोग यहाँ पिकनिक मनाने पहुँचते हैं। यहाँ चट्टान और जंगल के बीच गिरते झरने का नज़ारा लोगों को काफ़ी मन मोहता है और आकर्षित करता है। यूं तो सैलानी सालों भर इस प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ़ उठाने यहां पहुंचते हैं, लेकिन नए वर्ष में लोग यहां खास तौर पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अच्छा लगा यहां पे, बहुत अच्छा है, यहां का व्यवस्था है, यहां का नेचर बहुत अच्छा है, पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। बहुत अच्छा, यहां का प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं, सबके लिए सुरक्षा के लिए व्यवस्था है, सब बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। हाउसिंग परमिट से आई हूँ और यहाँ बहुत दूर आई हूँ तो यहाँ पे नज़ारा अच्छा लग रहा है काफ़ी देर से, और न्यू ईयर के समय तो और भी मज़ा आ रहा है कि हाँ यहाँ पे भीड़ भीड़ है, मतलब अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा एंजॉइंग वाली सराउंडिंग है, सब अच्छी है। और ये सबसे मेन चीज़ तो है ये जो भटिंडा फॉल्स है, तो उनको बहुत दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा देखने। लोग परिवार और दोस्तों के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। रोजाना हजारों की संख्या में सैलानियों की संख्या यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही पिकनिक के साथ एंजॉयमेंट भी हो रहा है। भटिंडा वाटरफॉल की पानी पारसनाथ से निकलने वाली कतरी नदी का पानी इस फॉल में आता है, जो जंगल से होते हुए पत्थरों के बीच से गिरता रहता है। यह नज़ारा लोगों को बेहद ही रोमांचित करता है और यहाँ पहुँच रहे सैलानी फॉल को बैकग्राउंड में रखकर सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं। मैं कोलकाता से आई हूँ और मुझे यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा, यहाँ का जो लोकेशन है वो बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। स्पेशली कोलकाता से मैं यहाँ 1 जनवरी मनाने आई हूँ। ये भटिंडा प्लेस बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ का व्यू बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, आई कांट एक्सप्लेन कैसा व्यूज है, आई कांट एक्सप्लेन, बहुत अच्छा है। भटिंडा फॉल का खूबसूरत नज़ारा लोगों को लुभा रहा है और वाकई में पिकनिक मनाने का अद्भुत ये स्थान दिखाई देता है। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तान।